बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वैक्सीन्स क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ है। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैक्सीन्स बेसिकली ऐसी मेडिसन्स होती हैं जो जिनके अंदर डेड या वीक किए हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे जिस्म में डाल दिए जाते हैं और ये हमारे जिस्म में जाकर हमारे वाइट ब्लड के साथ दोस्ती कर लेते हैं और वाइट ब्लड सेल को हेल्प देते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई बीमारी आएगी तो वाइट ब्लड सेल्स उनको लड़ने के लिए ताकतवर हो जाएंगे। अब सवाल ये कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने कुछ इसकी बातें प्रीवियस वीडियो में बताई हैं, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जो वैक्सीन है बेसिकली इसमें वीक किए हुए बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। लाइक ये है वो बैक्टीरिया और ये है हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसान। ये जैसे ही अंदर जाते हैं इन्होंने अपनी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर देनी है जिसे एंटीजन कहते हैं, ठीक है। अब इस एंटीजन और यहाँ हमारे वाइट ब्लड सेल्स होंगे जिनके इन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। जैसे ही इन्होंने ये एंटीजेंस को देखना है फौरन से इन एंटीजन के खिलाफ इन्होंने अपने अंदर भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है जिससे जिन्हें हम एंटीबॉडी कहेंगे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने ऐड किए वो एंटीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी बेसिकली वो नुकसानदेह हो सकते हैं लेकिन हमने वीक फॉर्म में कमज़ोर हालत में किए वो बीमारी नहीं कर सकते, लेकिन जो वीक भी हैं उसके बावजूद वो एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे। अब होगा क्या, ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं ये पूरे जिस्म में फैल जाएंगे, पूरे ब्लड में, साथ ही साथ ये इन्हें भी ख़त्म करना शुरू कर देंगे। ये बी लिम्फोसाइट असल में वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है जो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्हें इनके लिए हम लव्स यूज़ करते हैं पैथोजन, जो इस तरह के पैथोजन के खिलाफ फौरन से एक्टिव हो जाती है और ये सेल प्रोड्यूस करती हैं और ये वाले सेल जो हैं अपने अंदर ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो इन प्रोटीन्स को जो इन बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया उनको मार देते हैं। अब बैक्टीरिया सपोज ख़त्म हो गया लेकिन ये जो एंटीबॉडीज हैं ये जिस्म में रिमेन रह जाते हैं, यानी मुसलसल सारी उम्र के लिए ये रह जाती हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं भी है तो ये महफूज हो जाती हैं जिस्म के अंदर, इस तरह से पूरे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे पूरे खून की नालियों में ये फैल जाती हैं। और इनका नाम मैंने क्या बताया आपको, एंटीबॉडीज। और अगर फ़र्ज करें फ्यूचर में कोई रियल ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ये तो हमने खुद वैक्सीन की शक्ल में ऐड की है ना, कोई रियल ऑर्गेनिज्म आ जाता है वही दोबारा आ जाता है तो हमारे जिस्म में तो ऑलरेडी ये मौजूद है एंटीबॉडीज, तो ये है रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस रियल ऑर्गेनिज्म ने जैसे ही अपनी ये जैसे एंटीजन प्रोड्यूस करना शुरू करनी है वो कोई हमें नुकसान नहीं देगा क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडीज हमारे पास पहले से मौजूद है, इन्होंने इसको फौरन से पकड़ना है और फौरन से ही मार देना है, उनको ख़त्म कर देना है। तो पता क्या चला कि इन वैक्सीन ने हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स के बी लिम्फोसाइट्स के अंदर वो एबिलिटी पैदा कर देते हैं कि वो एंटीबॉडीज बना देते हैं और वो एंटीबॉडीज, वो रियल में अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस जैसा एंटर होगा तो वो एंटीबॉडीज उनको मारना शुरू कर देंगे और इस तरह से हमें बीमारी नहीं होगी। अच्छा, सपोज हमने वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस की, वैक्सीन नहीं ऐड की है बल्कि डायरेक्टली रियल ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, तो उस रियल ऑर्गेनिज्म में चूंकि वो स्ट्रांग होगा, वो तो हमने वीक यूज़ किया है, ये स्ट्रांग होगा, हो सकता है वो हमें बीमारी कर दे। अच्छा, एक दफ़ा बीमारी हो जाएगी और हमारा जिस्म खुद ब खुद वो बीमारी को रिकवर भी कर लेगा और उसके खिलाफ जो अब नए सिरे से अगर एंटीबॉडी बना लेगा तो अगर 5 साल बाद 10 साल बाद वो ऑर्गेनिज्म दोबारा अटैक करता है तो फिर उस
जो वो हमें बीमारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने हमें डिजीज की थी उस दौरान हमारे जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स के बी लिम्फोसाइट्स ने अपने अंदर मेमोरी सेल्स बना लिए थे, ठीक है, और उस मेमोरी सेल्स के अंदर उनका सारा डाटा स्टोर हो गया था। वो मेमोरी सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज ही होते हैं, और फ्यूचर में आने वाली चाहे 50 साल के बाद भी वो बीमारी आएगी तो वो हमें बीमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जिस्म पहले से इम्यून है। तो दो सिचुएशन है, अगर वैक्सीन डाल के हम जिस्म को इम्यून कर दें तो बीमारी होगी ही नहीं, और दूसरी सिचुएशन अगर वैक्सीन नहीं डालेंगे तो एक दफ़ा बीमारी होगी, लेकिन उसके होने के साथ साथ हमारा वाइट ब्लड सेल जो है ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा जो जिस्म में महफूज हो जाएंगे मेमोरी सेल्स की शक्ल में। तो इन केस के अगर दोबारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो अब वो दोबारा बीमारी नहीं कर सकेगा। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आज का हमारा टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।